ओके, जैसे ही फादर और उनके साथ एक और थे आई थिंक, तो दोनों उनके घर पहुंचे और जब एनालिस को अच्छी तरह देखा गया, जैसे ही वो घर पहुंचते हैं ना तो देखा जाता है एनालिस जमीन पे कीड़े मकोड़े खा रही होती है और उल्टे तरीके से चल रही होती है और इतने इतना खतरनाक उसका फेस लग रहा होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन आप सबके लिए वीडियो आ गया है और आज मैं एक हॉरर स्टोरी आपको बताने वाली हूँ। ये कोई स्टोरी नहीं है, मतलब ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड स्टोरी है। मतलब कि इस स्टोरी का नाम पहले आप सुन लो, बहुत सारे इस पे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने सभी के कमेंट्स पढ़े, भले किसी के रिप्लाई कुछ के मैं ना दे पाऊं लेकिन कमेंट मैं सबके पढ़ती हूँ, ध्यान रखना ये बात। तो ओके, तो आज जो स्टोरी है ना वो द एक्सोर्सिज्म ऑफ इमली रोज, ये एक स्टोरी है, ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है और ये बहुत खतरनाक स्टोरी है। चाहूं तो इस स्टोरी को मैं बहुत लंबा खींच सकती हूँ आपको बताने के लिए, अपना टाइम बढ़ाने के लिए, बट डोंट वरी, मैं सब बिल्कुल नहीं करूंगी, आथू करूंगी नहीं। मतलब ये कम से कम टाइम में मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत नॉर्मल सिंपल सी स्टोरी है लेकिन बहुत खतरनाक सी स्टोरी है। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना और शेयर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है, एक लड़की तो होती थी, मतलब आज से काफी वक्त पहले की बात है, एनालिस मिशेल नाम की एक लड़की थी जिसके ऊपर ऐसा था ना कि बहुत मतलब कम एज था, जब वो 15-16 साल की जब थी तब से ही उसके साथ ना कुछ फालतू की हैबिट्स होना शुरू हो गए थे। मतलब कभी कभी होता है ना बच्चे जब कुछ फालतू के हैबिट्स फालतू की चीजें जब करने लगते हैं तो हमें लगता है कि वो बच्चे कर रहे हैं बस ऐसे ही, लेकिन उसके साथ बहुत अलग सा था। वो जर्मनी में रहने वाली एक लड़की थी जिसकी लाइफ सब पहले तो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जब वो 15-16 साल की उम्र में गई तो वो फालतू की हरकतें करना शुरू कर दिया था। मतलब कि अपने आप चिल्लाना, अपने आप हंसना और सर पटकना और कहीं भी चली जाना, नींद में चलना, फालतू की बातें करना, समझ सकते हो ये सारी चीज एक नॉर्मल हैबिट्स तो हो नहीं सकती, तो उसने फालतू की चीजें करना उसने शुरू कर दिया था। उसके माँ बाप को लगता था कि अभी कम एज है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ ऐसे ही करती हो, मतलब उसके माँ बाप ने थोड़ा सा नॉर्मल लिया था तो उन्हें कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जैसे जैसे एज उसकी बीती ना, जब वो अपनी 21 साल की उम्र में आई तो उसके बाद उसकी हरकतें जो थी ना वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। मतलब सर जोर जोर से पटकना या फिर अजीब से उल्टे तरीके से चलना, अलग से आवाज में बात करना, मतलब बहुत ही खतरनाक टाइप का उसका रिएक्शन हो गया था। उसके माँ बाप को भी लगने लगा कि अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली उसके माँ बाप को लगने लगा कि शायद इसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने सोचा उसके माँ बाप ने कि इसे हमें डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, तो डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए ये उन्होंने सोचा और डॉक्टर के पास उसे लेकर भी गए। एनालिस को डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो डॉक्टर ने जब उसे चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बस ऐसे ही। मतलब डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आया एग्जैक्ट, लेकिन डॉक्टर का काम ही होता है कि कुछ ना कुछ उन्हें बताना होता है, नॉर्मल सी बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर कुछ ऐसा होगा भी तो मैं कुछ दवाइयां दे देता हूँ जिसकी वजह से इसकी हरकतें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो डॉक्टर को नॉर्मली उसने दवाइयां वगैरह दे दी, उसके बाद जैसे जैसे थोड़ी दिन बीते दवाइयां वगैरह उसकी चली, लेकिन फिर भी उसकी हैबिट्स में कोई सुधार नहीं आया और आप कह सकते हो और बिगड़ गई हैबिट्स, मतलब धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। तो उसके मम्मी पापा को जब देखा कि हैबिट्स ज्यादा बिगड़ रही है और अजीब से फेस अपने आप बन जाता था और अजीब से आवाजें जब आने लगी, तो उसके मम्मी पापा को रियलाइज हुआ कि आई थिंक इसे कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो उसके माँ बाप ने क्या किया, उसे उसके बारे में पहले जाकर एक चर्च में गए, चर्च में चर्च के जो हेड होते हैं ना उनसे बात किया और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई गई। चर्च के जो हेड थे उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि नहीं, ये वो करके मना कर दिया, लेकिन उसके माँ बाप के बहुत ज्यादा फोर्स करने पे और अपनी प्रॉब्लम्स ज्यादा अच्छी तरह डिस्क्राइब करने पे चर्च वाले जो थे, जो जिसके फादर कहते हैं हम, वो रेडी हो गए उनके साथ चलने के लिए। ओके, जैसे ही फादर और उनके साथ एक और थे आई थिंक, तो दोनों उनके घर पहुंचे और जब एनालिस को अच्छी तरह देखा गया, जैसे ही वो घर पहुंचते है ना तो देखा जाता है एनालिस जमीन पे कीड़े मकोड़े खा रही होती है और उल्टे तरीके से चल रही होती है और इतने इतना खतरनाक उसका फेस लग रहा होता है। तो जो फादर थे उनको थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है इसके साथ, सच में कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने जब उसका थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह किया ना तो उसे पता चल गया कि इसके ऊपर शैतान है, और मतलब जिसको आप स्पिरिट कहते हो, आत्माएं। लेकिन पहले उनको लग रहा था ना कि कोई एक ही, क्योंकि नॉर्मली एक इंसान के ऊपर एक ही आत्माएं हो सकती है, लेकिन उनको लगा कि एक ही है तो नॉर्मली कुछ करने से वो चली जाएगी। लेकिन जैसे ही अच्छी तरह उसका चेकअप वगैरह अच्छी तरह उसके ऊपर देखरेख हुआ तो फिर पता चला कि ओके, इसके ऊपर एक नहीं छह आत्माएं थी, और छह आत्माएं वो भी बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक। तो ये चीज पता चला, ये सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। तो जो फादर थे ना उन्होंने बोला उनके माँ बाप को कि ऐसा है, इसके ऊपर ना एक्सोसिज्म करना पड़ेगा। एक्सोसिज्म, अगर मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो फॉरगेट दैट, क्योंकि ऐसा वर्ड ही है यार, एक्सोसिज्म।
तो उनके ऊपर बोला गया ना कि इसके ऊपर ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो इससे अब ये प्रक्रिया कौन सा होता है पहले मैं आपको थोड़ा सा कम वक्त में डिटेल में बता दूं। ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें जब किसी की बॉडी को जब कोई आत्मा कोई स्पिरिट जब क्या करता है ना अपने कब्जे में ले लेता है ना, तो उसे निजात पाने के लिए उसे छुटकारा पाने के लिए एक कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है उसकी बॉडी पे। तो यही चीज सेम उसके माँ बाप को बोला गया कि करना पड़ेगा नहीं तो शायद इसकी हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो उसके माँ बाप रेडी हो गए तो बहुत सारी प्रक्रिया उसके ऊपर किया गया। मतलब आप कह सकते हो कि 10 महीने तक उसके साथ प्रक्रिया चली है। अब आप समझ सकते हो कि 10 महीने तक कितनी सारी प्रक्रिया और किस किस टाइप की हो सकती है। तो 10 महीने तक चला और 10 महीने के बाद ऐसा हुआ ना कि उसे उस लड़की को ना जो जंजीर जो भी होता है ना लोहे का उससे बांध कर रखा जाता था क्योंकि वो इतनी पावरफुल हो जाती थी। एक हाथ से बेड उठा देती थी, किसी को भी मार सकती थी, कभी कभी तो अपने माँ बाप को भी वो बहुत ज्यादा हार्म करने की कोशिश करती थी। कई बार उन्हें नाखून से नोच लेती थी, कई बार अपने आप को ही वो बहुत ज्यादा हार्म करती थी अपने आप को। तो ये सारी वजह से ना उसे जब ये प्रक्रिया में लाया गया तो उसे बांध कर रखा जाता था। तो ऐसा हुआ ना कि 10 महीने के बाद जब ये प्रक्रिया खत्म हुई ना तो लोगों को लगा कि थोड़ा सा उसकी हालत सुधर जाएगी। उसकी हालत सुधरी भी, थोड़ी सी उसकी हालत सुधरी, सबको लगा कि अब धीरे धीरे सुधर जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी हालत सुधरती है उसके बाद क्या होता है, उसकी हालत पहले से भी और ज्यादा बुरी हो जाती है। वो खाना पीना छोड़ देती है, सब कुछ खत्म, मतलब कि एक जगह बस पड़ी रहती है, फेस अजीब, मतलब बहुत गंदा उसका उसकी जो नॉर्मल जिंदगी हो गई थी। उसके बाद क्या होता है, जब उसने खाना पीना छोड़ दिया फाइनली 1 जुलाई 1976 आई थिंक, उस दिन क्या हुआ ना उसकी डेथ हो गई। और जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया ना तो उसे पता चला कि इसको कुछ मेंटली बीमारी थी और कुछ नहीं, इसके ऊपर कोई भूत वूत नहीं था, बस मेंटली उसकी कोई प्रॉब्लम वगैरह था। और इसके ऊपर हो सकता था डॉक्टर इलाज कर सकते थे लेकिन डॉक्टर के पास ना ले जाकर वो जो प्रिस्ट वगैरह थे वो और इसके माँ बाप ने मिलकर इसे उल्टी सीधी चीजें इसके साथ की और तब जाकर इसके साथ ये सब हुआ और मौत, मतलब इसकी सारी जिम्मेदारी, सारा जो भुगतान था उसके माँ बाप को भुगतना था, सारा इल्जाम उनके ऊपर आ गया था। तो उनको कुछ वक्त जेल में भी रखा गया लेकिन प्योर सबूत ना मिलने पर उन्हें फिर रिहा कर दिया गया। लेकिन आज भी ये बोला, आज भी किसी को चीज समझ में नहीं आता कि मतलब सच में उसके पर कोई भूत छह आत्माएं थी नहीं थी या फिर सच में उसे मेंटली कोई प्रॉब्लम था, कुछ नहीं समझ आता। लेकिन हाँ आज भी ऐसा कहा जाता है कि शायद भूत प्रेत का, क्योंकि अजीब अजीब सी आवाजें उठाना और अपने आप ही इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि अपने आप ही मतलब बेड उठा देना, तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था। तो ये नॉर्मल सी स्टोरी थी। वो लड़की, उस लड़की की तो डेथ हो चुकी है और कभी किसी के साथ ऐसा हो ना, मैं तो दुआ करूंगी कभी ना हो, मैं तो दुआ करूंगी ये चीज कभी ना हो किसी के साथ भी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो में और बताना कि कैसा लगा स्टोरी। और भी ऐसी कोई स्टोरी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताते रहना, क्योंकि मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूं। सो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चाहो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, यहाँ पे नेम हाईलाइट हो रहा होगा और आपको मेन चीज यही करना है कि इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना है और वहां पे आप अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ। ओके, तो आपको ऐसा करना है ना कि इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो वहां से जाके आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।